तुलसी जी का समय है। हिसाब किताब जो चल रही है हम सबके सामने 63 जन्मों के, उनको क्लियर करने का वक्त आ गया है। तरीके बाबा ने बता दिए हैं, या तो वो तरीके अप्लाई करने या फिर वो अपने तरीके से इन हिसाब किताब को खत्म करेगा। कोई भी कर्म के परिणाम से बच नहीं पाएगा। यहाँ पर ये कर्म सिद्धांत अटूट और अटल है सृष्टि का। वैसे भी कहते हैं ये सृष्टि भूगोल है, भूगोल भूगोल कहते हैं, यानी कि ये भूमंडल गोल है, चारों तरफ से बंद है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जहां से चलोगे, जो जो छोड़ते हुए जाओगे, जब वापस आओगे, वो सब मिलेगा, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। कांटे छोड़ोगे, कांटे प्राप्त होंगे, फूल छोड़ोगे, आपके ही मार्ग में फूल खिले हुए मिलेंगे। अब जो हो गया हमसे वो तो हो गया अज्ञानवश, अब उसको तेजी से मुझे लाइक करना है, क्योंकि जब भी पाप कर्म सामने आता है तो किसी ना किसी कष्ट को, रोग को, शोक को, या किसी ना किसी तरह से मनमुटाव को, असफलता को, पराजय को हमारे सामने लेकर आता है। अब अगर हम इन्हीं में ही अटकते रहे तो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। जो हमारा प्रभु मिलन होना चाहिए शांत चित्त मन से, जो उसकी वाइब्रेशन हमें ग्रहण करने चाहिए, उस पर मन एकाग्र करके उसकी शक्तियों को रिसीव करना चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इमीडिएटली आवश्यकता है पुण्यों में वृद्धि करें हम। घबराने की बात नहीं है, अगर आज जीवन में कुछ भी मन अनुकूल नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफें हैं, कष्ट हैं, रोग शोक हैं, मनमुटाव हैं, असफलताएं हैं, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो कंफर्म है कि मेरा ही किया हुआ मेरे सामने आया है। इसीलिए पहली बात एक्सेप्ट करें हम, दोषी कोई और नहीं। निर्दोष दृष्टि और हौसला भी ना हारे, क्योंकि गिरते वही हैं जो चलते हैं, जो चलते ही नहीं वो तो गिरने का सवाल ही नहीं। गिरते वही हैं जो चलते हैं, बस इतना सा करना है उठकर फिर से चलना है। जो हो गया सो हो गया, आपकी सुध लेनी है मुझे। अगर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, भोगनाएं बहुत हैं, तो तेजी से अपने पुण्य कर्म में वृद्धि कीजिए, क्योंकि जब पाप का प्रभाव चरम सीमा पर होता है तो भोगनाएं भी, कष्ट भी चरम सीमा पर होती है। और जैसे ही पुण्य का प्रभाव बढ़ेगा, पाप का प्रभाव डाउन हो जाएगा, और जैसे पाप का प्रभाव डाउन होगा तो उसके द्वारा जो कष्ट भोगनाएं आ रही हैं वो अपने आप डाउन हो जाएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं, बस आवश्यकता इतनी है कि जितने पाप किए अब उससे कहीं ज्यादा मैं पुण्य कर्म कर लूं। अब दो तरीके हैं, गिलास में गंदा पानी है या तो आप उसे उलट के फेंक दीजिए। अगर इतना नहीं कर सकते तो साफ नल के नीचे उस गंदे गिलास के पानी को रख दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप क्या देखेंगे? गंदा ना बाहर और साफ। पुण्य करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, पाप निकलता जाएगा और एक दिन पुण्य का प्रभाव भारी हो जाएगा, पाप का प्रभाव डाउन हो जाएगा।